हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक नई अपडेट में। दर्शकों, मैं सुबीर कुमार 7X हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभी मौजूद हूं यहां पर शिव चौक बिलासपुर यमुनानगर के अंदर। और दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा कि सिंधु बॉर्डर पर जो है, आपको पता है कि किसान और प्रशासन पुलिस प्रशासन की जो है तना तनाई आप देख सकते हैं कि लगातार खबरों के माध्यम से आप घर बैठकर जो है ये सूचनाएं आप ले रहे हैं। लेकिन अभी इसी बीच जो है नई नई खबरें जो है बीच में आकर जो है निकलने लगी हैं। कल भारत बंद का आह्वान जो है यहाँ सूचना मिली हुई है और किसान जो है इस बीच में हरियाणा में क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जिला यमुनानगर में क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तमाम तरह की खबरें हम यहाँ से अंदर से लेने की कोशिश करेंगे। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, खबर को ज्यादा शेयर करें और चैनल पर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी हमारे यहाँ पर जो है टिकैत ग्रुप से जो यहाँ पर सामूहिक तौर पर जो है किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या कोई आप अपनी जो है पर्सनल कोई सभा के अंदर जो है अभी यहाँ पर इनको बुलावा आया है। तो शिव चौक पर हमने यहाँ पर इनको रोक कर जो है यहाँ से हम इनकी पूरी बातचीत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ यहाँ पर प्लानिंग चल रही है और किस प्रकार का यहाँ पर आज का प्रोग्राम है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल 7X हरियाणा में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे सिंधु बॉर्डर पर जो है तना तनाई चल रही है, आप समय जो है एक तरफ से गोलाबारी या आंसू गैस के गोले जो चल रहे हैं, किसानों को भी नुकसान हो रहा है, पुलिस प्रशासन को भी नुकसान हो रहा है, इसमें इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम आपके चैनल से पहले आप खबर हमारे साथ सभी किसानों से शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं चैनल का। और हमारे जो शंभु बॉर्डर पे जितने भी किसान पंजाब के आए हैं वो हमारे बड़े भाई हैं और हम उनको ऐसे नहीं कहना, उनके साथ ऐसा नजायज नहीं होने देंगे। और ये सरासर ये सरकार जो है हमारी हरियाणा की खट्टर सरकार, ये हिटलर सरकार बन गई है, ये किसानों के बिल्कुल खिलाफ है और आने वाले समय में इसका बहुत पुरजोर विरोध होगा। 2024 में इसका इनको रिजल्ट मिलेगा। और अभी दिल्ली के अंदर सभी किसान कूच करेंगे, ये सिर्फ हम अपने अध्यक्ष जी की अपने राष्ट्रीय उसके कॉल देख रहे हैं, जब कॉल आएगी और उसी टाइम हम सभी किसान तैयार हैं टोटल हरियाणा के, हम पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब के हमारे बड़े भाई हैं, उनको हम कभी पीछे नहीं देंगे, मिलजुल कर सब साथ चलेंगे। और ये सरासर गलत कर रहे हैं, वहाँ शंभू बॉर्डर पे इतनी किसानों की यानी उनके गोलियां मार रहे हैं, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, ये ना समझें सरकार भी ये चुप बैठे हैं हरियाणा के, चुप नहीं हैं किसान, सिर्फ सतर्क हैं, ये नहीं पता कब किस टाइम क्या हो जाए। अखबार में बताया गया है कि कुछ जवानों को जो है चोटें आई हैं, किसानों की तरफ से जो है पत्थरबाजी की गई है, तो उसमें वो खबर दिखाई जा रही है, लेकिन जो जिन किसानों को चोटें आई हैं उस बात का कोई मतलब कि कोई कोई आंकड़ा नहीं दिखाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, आंकड़ा तो वहाँ की जो मीडिया कौन है दिखाएगी, और वहाँ से जो किसानों को प्लास्टिक की गोलियाँ मारी जा रही हो उनमें छर्रे होते हैं और साइकिल की जो गोलियां होती हैं वो उनमें बैरंगों में पड़ती हैं, वो गोलियां किसी के माथे पे लगी हैं, किसी के ठोड़ी पे, और ड्रोन से उनके पास आंसू गैस का वो करा जा रहा, आंसू गैस फेंक की जा रही ड्रोन से। इतनी गंदी सरकार तो कोई भी नहीं आया, जितना इतना बुरा हाल किसी सरकार ने भी आज तक भी नहीं किया जितना इन्होंने करके दिखा दिया, इतनी डरपोक सरकार है ये। हमारी जज मांगे हैं, हमारी मांगे मान लो, हमने क्या जरूरत है प्रदर्शन करने की? अरोर इन्होंने झूठा वादा करके हमारे दिल्ली से उठाए हैं, झूठा वादा आश्वासन देकर उठाए, अब उस टाइम ही कह देते हम नहीं करते, उस टाइम हम पड़े थे वहीं, इन मांगे मनवा के उठते हम, और अब फिर यही बात होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे, इतना हमारी पूरी मांगे नहीं मानी जाएंगी। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो है सरकार पर जो है आरोप लगाया जा रहा है कि उनको किसानों को झांसा दिया गया है, सरकार ने जो है किसानों को झांसा देकर जो है वहाँ से प्रदर्शन से उठाया गया है, जिससे उसकी बड़ी कड़ी से कड़ी निंदनीय है यहाँ पर जो है घटना का जो है निंदनीय जो है यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है तमाम तरह के जो है हमारे सामने किसान समूह से जो सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, सर कल जो है भारत बंद का आह्वान की जो है ना खबरें लगातार जो है मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा किस प्रकार का कल का प्रारूप रहेगा, कल भारत बंद होने की जो है क्या कुछ खबरें के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, कल हमारी किसान यूनियन की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है, मेरा सभी समाज को, मेरे वर्ग को, मजदूर को, किसान को, व्यापारी को, दुकानदार को, सबसे एक अपील रहेगी कि कल भारत बंद में हमारा सहयोग करें। अगर इस देश का किसान स्वस्थ रहेगा
कि किसान की आमदनी दुगनी रहे, अगर ये सरकार नहीं कर पाई तो फिर किसी भी वर्ग की तरक्की पॉसिबल नहीं होगी। तो कल हमारा ये भारत बंद का आह्वान है, इसमें बढ़ चढ़ कर थोड़ा जागरूकता फैलाएं और इसको कृपया करके, मैं कल से देख रहा हूँ कि लोग कुछ लोग व्यापारी वर्ग और थोड़े बहुत वैसे कि थोड़ी किसानों के बारे में खिलाफत कर रहे हैं। कृपया ऐसा भद्दा मजाक ना करें, क्योंकि अगर अन्नदाता ही इस देश का सुखी नहीं रहेगा तो फिर कोई किसी की भी विशाख नहीं है कि वो सुखी रह पाए। तो मेरी सबसे अपील है कि कल बाज़ार के अपने कामों से फ्री होके अपने घर पर ही आराम करें और इस भारत बंद में पूरा जोर सहयोग करें। क्या आपको यकीन लगता है कि दिल्ली पर क्या किसान जा पाएंगे, क्या वहां पर जाकर अपना प्रदर्शन आंदोलन सक्सेस कर पाएंगे? इसमें तो कोई ये डाउट ही नहीं है कि किसान दिल्ली नहीं जा सकता, क्योंकि दिल्ली के आसपास सब सारे किसान वर्ग के ही भाई हैं। अगर उनमें एक सरकार ने एक एक कदम भी ऐसा चलाया तो फिर सब लोग अपने घर से तूफान की तरह निकल पड़ेंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। तो हमारे सामने जो है युवा साथी, जो है किसान साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी आपकी जो है MSP के साथ साथ जो है क्या कुछ सरकार से अभी क्या कुछ मांगे मुद्दे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा टिप्पणी कीजिए। सर, हम कड़क हो जाते, हम तो सिर्फ यह बात कहना चाहें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है इस बारे में कि आप पंजाब का रास्ता कैसे रोक सकते हो। हरियाणा में प्रदर्शन नहीं करना, ये प्रदर्शन दिल्ली में जाकर कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे रोक सकते हो? खट्टर सरकार को बहुत तकड़ी फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से कि आप इसका रास्ता ना रोको, पर लेकिन बेशरम सरकार है, ये नहीं मान रही। ये तानाशाही सरकार है, हिटलर सरकार है वाकई में, इसीलिए इसका यही इलाज है। ये इसको तो बस ख़त्म किया जाए सरकार को, और कोई इलाज नहीं है इसका। और अगर ये सोचती हो ना किसानों को रोक देंगे हम, तो ऐसा ये भूल जाए, किसानों को नहीं रोक सकती, ना कि पहले रोक सकी या ना रोक सकेगी। सिर्फ एक कॉल की दूरी है हमारी, हमारे पास एक कॉल आई, हमारी गाड़ियाँ ट्रैक्टर बिल्कुल तैयार हैं, टंकियाँ फूल हैं बिल्कुल रखी हमने, एक कॉल की दूरी है, एक कॉल आएगी और दिल्ली के लिए कूच हो जाएगी। जी बस ये है जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर राकेश टिकैत जी के यहाँ पर ग्रुप से जो है यहाँ पर तमाम तरह से जो है किसानों ने अपने जो है विचार साझा किए, और यहाँ पर सरकार के जो है जो यहाँ पर जो जिस प्रकार की घटनाओं की जो है जो कड़ी से कड़ी निंदा जो है इस ग्रुप के द्वारा की जा रही है। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि लगातार अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, यमुनानगर, बिलासपुर।